चैप्टर चैप्टर का नाम ट्राइड। वैसे नाम तो ट्राइंगल्स है, होना क्या चाहिए? सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स तो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था 9th में, लेकिन वहां पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहां पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो और सिमिलर ट्राइंगल्स के पहले भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिमिलर क्या होता है, व्हाट इज सिमिलैरिटी। पहले सिमिलैरिटी समझेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स पर चलेंगे। तो सबसे पहली चीज ये बताइए, विजुअल्स देखते हैं। ये विजुअल देख रहे हैं आप, ये सिंबल है किसका? सिमिलैरिटी का। जैसे कि ये सिंबल था कॉन्ग्रुएंसी का, याद आ गया आपको? ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, तो सिर्फ ऊपर एक ऐसा आर्क बना दिया तो ये हो गया सिमिलैरिटी का सिंबल, ठीक है। अभी और अच्छे से देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में? कॉन्ग्रुएंसी मतलब सेम शेप एंड साइज। शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। आपस में बात मत करो। शेप भी सेम, एक डेफिनेशन ये बोलती है। फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर वन ये बोलता है इट शुड बी सेम शेप एंड साइज। एक डेफिनेशन टू बोलता है व्हेन द टू फिगर्स आर सुपर इम्पोज्ड। ध्यान से सुनना, व्हेन द टू फिगर्स आर सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज क्या होता है? यहां देखिए सब लोग, सुपर इम्पोज मतलब जब एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखते हैं, इट ओवरलैप्स एग्जैक्टली, एक एक चीज पूरी की पूरी ओवरलैप करेगी, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। व्हेन फर्स्ट फिगर इज सुपर इम्पोज ऑन द अदर, इट ओवरलैप्स एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर डेफिनेशन ये है। और जो एक जनरल डेफिनेशन ये है, इफ इट हैज सेम शेप एंड सेम साइज, कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी में शेप तो सेम चाहिए, साइज डिफरेंट या सेम भी चलेगा। सेम को भी देखो, क्या मैं बोलूंगा, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? ऑफ कोर्स, जब कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो होंगे ही। मतलब ये कि साइज डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में शेप सेम होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। साइज सेम हुआ तब भी चलेगा, और नहीं हुआ तब भी चलेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है, समझ में आया आपको? और अपन अच्छे से एक एक करके देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर। ये कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये कैसे हैं? सिमिलर। ये कैसे हैं? ठीक है। तो सिमिलर में क्या है? सेम शेप बट नॉट द सेम साइज, और कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप एंड साइज बोथ। वेरी क्लियर। चलिए आगे, उसी का एक विजुअल और है। सेम शेप एंड साइज हुआ तो अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। सेम शेप हुआ लेकिन साइज डिफरेंट हुआ तो उसको हम सिमिलर कहते हैं। ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। देखो, एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा है ईएफजी, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसा किया था ना क्लास 9th में। अब 10th में हम लोग ये करने वाले हैं। ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओवरलैप करोगे तो एक छोटा एक बड़ा ओवरलैप होगा ही नहीं। क्या इतना समझ में आया? और डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग। कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस याद हैं? एसएसएस, एएसए, एसएएस, एएएस, आरएचएस, ये 5 कंडीशंस थे किसके? कॉन्ग्रुएंसी के। 1, 2, 3, 4, 5 कंडीशंस क्लास 9th में अब पढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी जरूरत अभी भी पड़ती रहेगी, हमेशा पड़ती रहेगी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जब तीनों साइड, फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों साइड सेकंड ट्राइंगल के तीनों साइड के एग्जैक्टली इक्वल है,
ASA जब दो एंगल इक्वल और उनके बीच वाला साइड, दोनों एंगल के बीच वाला साइड चाहिए, इंक्लूडेड फिगर, इंक्लूडेड साइड, या फिर दो साइड और उनके उनका इंक्लूडेड एंगल, बीच वाला एंगल, दो साइड जो है उनके बीच वाला ही एंगल इक्वल होना चाहिए, कोई दूसरा एंगल नहीं चलेगा। AAS मतलब अगर साइड इंक्लूडेड नहीं हो तब भी चलेगा, दो एंगल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा, तो फिर ASA बन ही जाएगा। फिलहाल अभी ये AAS है। और RHS जब राइट एंगल हो और एक हाइपोटेन्यूज हो और कोई भी एक साइड RHS, ये सब क्लास 9th का है, लेकिन हमको कंसेप्ट ये पूरा लगता ही रहेगा। अब सिमिलर ट्राइंगल्स आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे भी। सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स तो ये ठीक है, ये तो हमने एक जनरल डेफिनेशन पढ़ लिया। एक्चुअली देर आर टू कंडीशंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। सारे एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल। और सारे साइड्स कैसे होने चाहिए? सेम रेशियो। देखो एक सेम रेशियो को हम लोग प्रपोर्शन भी बोलते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं साइड्स आर इन प्रपोर्शन, या फिर बोलो साइड्स आर इन सेम रेशियो। सेम रेशियो और प्रपोर्शन एक ही चीज होता है। देखो एक रेशियो है ए अपॉन बी, दूसरा रेशियो है सी अपॉन डी, ये दोनों रेशियो कैसे हैं? दोनों रेशियो कैसे हैं? इक्वल। ये दो रेशियो हैं, ये दो रेशियो आपस में कैसे हैं? इक्वल। एंड द फोर नंबर्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है? फोर नंबर्स जो हैं वो कैसे हैं? प्रोपोर्शन में हैं। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है इक्वल रेशियो, ठीक है? बिल्कुल कंसेप्ट से क्लियर करा रहा हूं, क्या यहां तक क्लियर? ट्राइंगल होने के लिए देर आर टू कंडीशंस, पहला कि सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और सारे साइड्स प्रपोर्शन में होने चाहिए, या फिर सारे साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, सिमिलैरिटी के हम लोग आगे जाकर कंडीशंस भी पढ़ने वाले हैं, आगे जाकर चैप्टर में कंडीशंस भी पढ़ेंगे। एक कंडीशन है सबसे बढ़िया कंडीशन AA, वैसे तो AAA होता है, अगर दो इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तट तो इक्वल ही होगा, तो ये तीन एंगल्स अगर इक्वल मिल गए ना तो सफिशिएंट है। आपको याद है हमने कितने कंडीशंस पढ़े थे? फाइव कंडीशंस पढ़े थे, ये देख लो फाइव कंडीशंस थे ना कॉन्ग्रुएंसी के, देखो 1 2 3 4 लिखा था मिट गया, है ना, कुछ गड़बड़ है इसमें, कोई बात नहीं। तो जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के फाइव कंडीशंस पढ़े थे, वैसे ही यहां पर सिमिलैरिटी के कितने तरीके हैं? 1 2 3 सबसे पहला AAA, नेक्स्ट है SSS, और नेक्स्ट है SAS। डिटेल में अपन और आगे देखेंगे, अभी तो आगे काफी आगे चैप्टर जाएगा, अभी यहां तो हम लोग पहुंचेंगे नहीं। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, सिमिलर फिगर्स, ये दोनों सिमिलर हैं, यस, ये दोनों सिमिलर हैं, यस, ये दोनों सिमिलर हैं, क्या ये तीनों सिमिलर हैं? यस, बहुत बढ़िया। क्या अगर बल्ब से, देखो बल्ब की रोशनी जो बनती है, तो बल्ब से अगर इस ट्रायंगल का, इस क्वाड्रिलेटरल का नीचे जो शेडो बन रहा है थोड़े छोटे बड़े हैं, है ना? Similar. आधे सिमिलर, यस डेफिनेटली। मैंने आपको बोला कि दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑल साइड्स ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो इनमें सारे एंगल्स इक्वल हैं,
क्या ये ट्राइंगल, क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हैं? मैं पूछ रहा हूं सिमिलर हैं, सिमिलर हैं? नो, अलग शेप है, शेप ही अलग हो गया, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, शेप सेम है ही नहीं। तो मैंने बोला कि अगर सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या वो सिमिलर हो जाएगा? नहीं आया। हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ओनली एंगल से काम नहीं चलेगा, साइड्स भी होने चाहिए। अब देखिए, ओनली साइड्स ले लें, देखो सारे साइड सेम रेशियो में है, 1.2 का डबल, 2.1 का डबल, 4.2, सब में 2.1 था, उसका सब के 4.2 हो गया, रेशियो इक्वल है, यस कि नो? यस। क्या ये सिमिलर है? नो। क्यों? शेप डिफरेंट है। तो मेरा मतलब ये है कि हमने जब दो कंडीशन पढ़े ना, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ये दोनों साथ में चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं। ओनली ओनली एंगल्स इक्वल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ओनली साइड्स प्रोपोर्शन से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, क्या होना चाहिए? दोनों चीजें चाहिए। क्या इतना आपको समझ में आया? yes, चलिए आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो ये आगे जाकर तो सिमिलैरिटी, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन से एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग, कोई भी नहीं चलेगा किसी को भी किसी से, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस याद है ना? yes, और डिटेल में पढ़ेंगे। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन, ठीक है, इफ एंड बोला है, ये भी फर्स्ट कंडीशन भी चाहिए और सेकेंड, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। हम पढ़ चुके हैं ऊपर, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, ओनली एंगल्स इक्वल लोगे तभी भी कॉन्ग्रुएंट हो, जरूरी नहीं है, ये देख लो, ओनली एंगल्स इक्वल तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, ओनली साइड्स प्रोपोर्शनल से भी नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? नहीं होगा। देखो ये तो हम लोग एक जनरल पढ़ रहे हैं, आपने याद है कि हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी स्टार्टिंग में, तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने बोला था कि ऑल सिक्स एलिमेंट शुड बी इक्वल, मतलब तीनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, थ्री और थ्री कितनी चीज हो गई? सिक्स। तब दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन उसके बाद हमने पढ़ लिया था सफिशियंट कंडीशंस, सफिशियंट कंडीशन बोलता है छह चीजें निकालने की जरूरत नहीं, या तो तीन एसएसएस ले लो या एएसए ले लो, ये हमने सफिशियंट कंडीशंस निकाल लिए थे। उसी तरीके से सिमिलैरिटी में सफिशियंट कंडीशंस आएंगे। अभी तो हाँ, देखो ये तो जनरल है, जनरल बोल रहा है कि एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए और साइड्स भी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, लेकिन आगे जाकर जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे तो हम शॉर्टकट निकाल लेंगे। शॉर्टकट ये है, या तो ए ए ए से कर देंगे, या एस ए एस से कर देंगे, या एस 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 से कर देंगे। मतलब यहाँ पे भी हम लोग सारे एंगल सारे नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें सफिशिएंट कंडीशंस अभी पढ़े नहीं है, बाद में जाकर पढ़े। क्या इतना समझ में आया? ठीक, ये तो याद है ना, जल्दी से बोलो, ऑल सर्कल्स आर, ऑल स्क्वायर्स, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर, फोर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। टू डिफरेंट पेयर ऑफ गिव एग्जाम्पल, टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, वो तो हो जाएगा आपका, है ना, कोई वो बड़ी बात नहीं, बहुत पढ़ चुके हम लोग इसके आगे। चलिए अब ये बोलता क्या ये दोनों सिमिलर हैं? नो, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ओनली साइड से काम नहीं चलेगा, साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, वो तो है, लेकिन एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जो कि नहीं है। क्या यहां तक क्लियर? अब हम कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं कि सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन है सिमिलैरिटी की? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और साइड्स
प्रपोर्शन, प्रोपोर्शनल या फिर सेम रेशियो बोल सकते हैं। क्लास में हो ना सब लोग? यस सर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, उसका नाम है थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT शॉर्ट में बोलते हैं। BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अदरवाइज थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम पहले समझते हैं क्या है, फिर उसको हम लोग प्रूफ देखेंगे। बोलता किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल लाइन खींचोगे तो बाकी के दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में काटेगा। AD/DB, देख लो, AD/DB विल बी इक्वल टू AE/EC। जब भी आप किसी साइड के पैरेलल लाइन खींचोगे बाकी दो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? प्रूफ आता है एग्जाम में, तो उसका प्रूफ लिखने में लेंदी है। हाँ, लिखने में लेंदी है, समझ लीजिए, समझ के होमवर्क में करके आना है इसको, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसको पहले समझ लो कि हमें थ्योरम्स कैसे करते हैं। थ्योरम्स में सबसे पहला काम क्या करते हैं? गिवन, क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है, ए साइड बी डी ई जो है BC के पैरेलल, दिस इज गिवन। फिर हम लिखते हैं टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है। फिर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उसके बाद फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। याद आ गया सब मेथड? क्या हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर दें? प्रूफ, अब आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, मुझे AD/BD चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या चाहिए मुझे? AD/DB। तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या अपनाई है मालूम है? AD से बनने वाला ट्रायंगल ले लो और BD से बनने वाला भी ट्रायंगल ले लो। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे AD चाहिए तो AD से बनने वाला ट्रायंगल, मुझे BD चाहिए तो BD से बनने वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स के एरिया निकाल रहे हैं। बात समझ में आई? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर प्रूफ हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हमें क्या चाहिए? पहले AD, AD से बनने वाला ट्राइंगल ADE, उसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर है? हाफ इंटू बेस AD है और हाइट ये है EF। और दूसरा वाला ट्राइंगल जो है DBE है ना, उसका भी एरिया हाफ इंटू बेस, बेस है DB और हाइट उसका भी EF। क्या आपको ये समझ में आया? जो अक्यूट ट्राइंगल होता है उसका हाइट अंदर आता है, और जो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल होता है उसका हाइट बाहर आता है। तो इस ट्राइंगल जो है BDE, उसका हाइट बाहर आ रहा है, मतलब हाइट तो दोनों का कॉमन है। मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, 1/2। दोनों को डिवाइड करने से हाफ कैंसिल, EF से EF कैंसिल, और जो हमें चाहिए था वो मिल गया। देखिए, मिला AD/DB, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया है ना। अब सेम ऐसे ही हम करेंगे ताकि राइट हैंड साइड मिल जाए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? मैं रेड कलर से बना दे रहा हूं। हमें चाहिए AE/EC, तो AE पर ट्राइंगल क्या बनेगा? ADE, और EC पर ट्राइंगल बनेगा DEC, ठीक है? इन दोनों साइड्स पर बनने वाले ट्राइंगल्स, AE पर ट्राइंगल बनेगा ADE और EC पर ट्राइंगल बनेगा DEC, नाम जो भी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ कॉमन है कट गया, हाइट कॉमन है कट गया, राइट? इस बार इसका हाइट यहां निकला, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए, BE परपेंडिकुलर और यहाँ भी परपेंडिकुलर, EF BA पर परपेंडिकुलर, DG CA पर परपेंडिकुलर,
यही तो परपेंडिकुलर है, यही तो हाइट है। तो आपने देखा ये आपका क्या आ गया, आर एच एस आ गया, ए अपॉन ई सी, एल एच एस भी आ गया, अलग से एल एच एस भी आ गया, आर एच एस भी आ गया, बस एक ही चीज रह गई अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना। अब इस इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना, मैं ग्रीन से अब हाईलाइट कर रहा हूं, इसको देखना हा, इसको ये ऊपर वाला सेम है क्या, ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम है और नीचे वाला ट्राइंगल डिफरेंट है। हाईलाइट करूं, एक को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो बाद में किया है, और दूसरे को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू से। इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया दे आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स। क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर था पैरेललोग्राम था, क्वाड्रिलेटरल्स 8, और चैप्टर 9 था क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि डिलीट हो गया था। और फिर मैंने आपको समझाया भी था, क्या समझाया था, उसमें थ्योरम है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, इसलिए इनके एरिया इक्वल होंगे, इसलिए इनके एरिया इक्वल होंगे। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, बेस सेम है दोनों का, डीई पर बना है, एक डीई से बी पर बना है, एक डीसी से सी पर बना है, डीई से सी पर, दोनों नीचे वाले ट्राइंगल्स सेम नहीं है लेकिन दोनों का एरिया सेम है। जब न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन थ्री और फोर में दोनों का एल एच एस सेम है। यस, जब थ्री और फोर इक्वेशन में एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा। तो आपने अभी प्रूफ किया कि ये दोनों, ये ऊपर वाले ट्राइंगल सेम है, नीचे का एरिया सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये भी सेम है, हेंस प्रूफ्ड। क्या आपको समझ में आया, दोबारा जब बोलोगे एक बार फिर से समझा दूंगा। इस वीडियो को आगे पीछे करके एक दो बार रिवाइज कर लेना और कॉपी में लिख कर लाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक नेक्स्ट थ्योरम है, इसको बोलते हैं कन्वर्स। कन्वर्स में क्या प्रूफ करना है, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। तो उसने क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो बोल रहा है कि ये रेशियो इक्वल है, हमें क्या प्रूफ करना है, लाइन पैरेलल है। हम कैसे करेंगे, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, याद आया, हम मान के चलेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। जो कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड में हमको जो प्रूफ करना होता ना, उसका ऑपोजिट ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, लेट दिस नॉट बी पैरेलल, ठीक है, मान लो कि ये पैरेलल नहीं है। अगर डीई पैरेलल नहीं है तो कोई नई लाइन बना लो जो पैरेलल हो। मान लो ये पैरेलल नहीं है, नहीं रहने दो, तो हम पैरेलल दूसरी तो बना सकते हैं, एक दूसरी बना लिया पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से डी एफ जो है ये हो गई पैरेलल, हमने बना लिया पैरेलल। कोई लाइन तो पैरेलल बनाई जा सकती है ना, बना लिया पैरेलल। अगर आपने पैरेलल लाइन बना लिया तो क्या होगा, बीपीटी से, थेल्स थ्योरम से क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ ई एफ सी आएगा। यस, और प्रॉब्लम ये है कि गिवन तो ये था, ये गिवन था। अब ध्यान से देखना, अभी आपका ये आया, ये गिवन था, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। फ्रॉम वन एंड टू वी गेट दीज आर इक्वल, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो गए। अब क्योंकि अगर हम लोग एडिंग वन ऑन बोथ साइड करें, क्यों, क्योंकि कुछ हम प्रूफ करना चाह रहे हैं उसके लिए करते हैं। अगर वन दोनों साइड एड करोगे तो क्या हो जाएगा मालूम है, एलसीएम लोगे तो एफ सी ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ई सी आ जाएगा, यहाँ ए सी अपॉन एफ सी, यहाँ ए सी अपॉन एफ सी, ए सी ए सी कैंसिल, एफ सी इक्वल्स टू। लेकिन दो अलग अलग लाइन सेगमेंट इक्वल कैसे हो सकती है, ए एफ अलग है और एफ सी और ई सी, ठीक है, ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक है एफ सी और एक है ई सी, बोल रहा दोनों इक्वल है, हमारा तो इक्वल आया,
हमारा इक्वल आ रहा है। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड ना करें, सेम ना हो। आप कह सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये तो गलत साबित हो गया। दो अलग अलग लाइन सेगमेंट इक्वल कैसे हो सकती है? यस, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने क्या अज्यूम किया था कि वो पैरेलल नहीं है, तो वो अजम्पशन गलत है। अब क्या बोलेंगे? देयरफोर देयरफोर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? yes. कभी नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, इसको भी आपको समझ के कॉपी में लिख के लाना है फॉर होमवर्क। चलिए और आगे बढ़े। देखिए इससे ज्यादा और मैं अभी नहीं समझाऊंगा, बस अब हमने जो पढ़ा ना उसको रिवाइज कर लें अच्छे से। और रिवाइज कैसे करेंगे आप ही बताएंगे, बताएंगे आप। एग्जाम्पल नंबर वन, खूब सारे एग्जाम्पल्स करने वाले। ये फिगर देखिए, ये बोल रहा है पी क्यू इज पैरेलल, दिया भी है। और जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या लगता है? थेल्स थ्योरम, है ना। अब ये देखिए फाइंड क्या करना है, के क्यू। आप चाहे तो के क्यू रहने दो, आप चाहे तो इसको एक्स बोल दो, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ना इसको छोड़ दो, हम लोग अपना बनाएंगे। तो सबसे पहले जिससे पूछूंगा कोई, चलो शान बोलो, रेशियो क्या बनाएंगे? रेशियो थेल्स थ्योरम लगेगा, तो रेशियो बताओ कैसे लिखें। हाँ बोलो आप। सर केपी अपॉन पीएम इक्वल्स टू केक्यू अपॉन केपी अपॉन पीएम इक्वल्स टू केक्यू अपॉन क्यूएन। देखो मैंने जानबूझकर केक्यू को ना लेफ्ट में लिख दिया, हाँ क्यूएन। आपने नोटिस किया मैंने जानबूझकर क्या किया, केक्यू को मैंने लेफ्ट में रखा। एक्स लेफ्ट में रहेगा तो ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा हमको जो चाहिए ना वो हम लोग लेफ्ट में रखते हैं। yes. तो हम क्या यहां तक क्लियर? के क्यू को मैंने क्या लिख दिया? एक्स। अब आप बताइए और क्या क्या पता है आपको? आपको के पी अपॉन पी एम का वैल्यू तो दिया है, ये तो सीधा सीधा दिख दिया। और वो बोल रहा है के एन कितना है? 20.4। हमें तो क्यू एन चाहिए, 20.4 माइनस एक्स, ये पूरा है 20.4, उसमें से x माइनस कर लो बचेगा 20.4 माइनस एक्स, 20.4 माइनस एक्स। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, कर लेना, बात खत्म, है ना। ये तो अपन क्लास 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं, कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। मेरा मतलब ये है कि हम इसकी फ्रेमिंग कैसे करते हैं, रेशियो कैसे बनाते हैं, ये सबको क्लियर होना चाहिए। यही क्वेश्चंस आने, क्वेश्चंस ऐसे ही आने, खूब सारे वो डिफरेंट 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 क्वेश्चंस देते रहेंगे लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। अगर आपने कंसेप्ट समझा है, रेशियो सही पुटअप किया है, आंसर आएगा ही आएगा, है ना। फिर मान लीजिए कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक भी कर दिया, लेकिन 5 में से 3-4 मार्क्स तो अपने को मिलेंगे ही अगर कंसेप्ट सही रख रहे हैं तो। ओके चलिए और क्वेश्चंस देखते, ठीक है। उनने जो सॉल्व करके दिया उसको हम नहीं देख रहे, हम अपना बनाएंगे, हमें क्या चाहिए? उसको बोल दिया एक्स। अब इसका रेशियो एक एक करके बोलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। आप बताओ इसका रेशियो क्या लिख दूं मैं? हाँ आप, ए डी अपॉन AD अपॉन DB, ऐसे कंटिन्यूस में बोला करो, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। मैं जानबूझकर AE अपॉन EC को लेफ्ट में रख रहा हूं। अब क्या आएगा? X अपॉन EC। EC क्या है? ये AC पूरा कितना है? 5.6।
तो 5.6 माइनस एक्स, और इसका रेशियो तो दिया है 3/5. इज दैट वेरी क्लियर? बस खत्म. देखो ये थोड़ा मिटता जा रहा. और इसके बाद ए ई को हम लोग ने एक्स ले लिया था, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है. बस बस गलती यहां रेशियो बनाने में गलती नहीं करना. और कैसे लिखना? बाय थेल्स थ्योरम. देखिए ये ऊपर लिखा ना, बाय थेल्स थ्योरम. रेशियो जब भी लिखेंगे तो कहां से आया? रेफरेंस देना पड़ेगा. क्या ये एग्जांपल नंबर 2 क्लियर है? मत करो इतना लंबा चौड़ा इतना सब. तो आपको सीधा ये रेशियो बनाना है. सबसे पहले ये लिखना कहां से आया, वो लिखना, वैल्यूज पुट अप करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. अब नेक्स्ट नेक्स्ट बोलूंगा, मतलब आप नेक्स्ट 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 रेशियो बताना. डी ई पैरेलल टू बी सी, किसका टर्न है बोल दो. बताइए. पहले हमको फाइंड क्या करना है? ए डी ना, ठीक है. बताओ ए डी अपॉन, अरे ए डी अपॉन डी बी, कंटिन्यू कच कर रखो. ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन, गुड. देखो हम ए से चल रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट, इस पॉइंट से ऐसा चलेगा तो इस पॉइंट से ऐसा ही चलेगा. उल्टा भी कर सकते हैं, मालूम है? बी से चालू कर दो, सी से, कहीं से भी चालू कर दो. सॉरी, ओके. फिर क्या करना है? एडी का वैल्यू कितना है? अब एडी है एक्स, बीडी कितना है? एक्स माइनस टू. ए कितना है? एक्स प्लस टू. और ये क्या है? इसके बाद क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन. चलिए एक एग्जांपल और. अब मैंने थोड़ा वो वर्किंग छुपा दिया. हाँ, दिख रही थी तो. हाँ, थैली बना दिया. हाँ चलो ठीक है. नेक्स्ट किसका टर्न है? चलो रेशियो बोलो. सबसे पहले उसने बोला ये जो है ना, ये एल एम ए बी के पैरेलल है. रेशियो बताओ. सबसे पहले ये देखो कि हमको फाइंड क्या करना है. क्या फाइंड करना है? एक्स. तो एक्स दिया कहां है? अच्छा, फाइंड, देखिए एक साइड है ये. अच्छा अच्छा ठीक है. चलो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. वैल्यूज चारों दिए हुए हैं, ठीक है. तो चलो रेशियो बताओ. ए एल आपने नीचे से स्टार्ट किया. इसको अगर नीचे से स्टार्ट किया तो इसको भी नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर ऊपर से स्टार्ट करोगे तो ऊपर से. देखो गलती नहीं करना. अगर आप चाहो ऊपर से स्टार्ट करें तो सी एल, सी एल अपॉन एल ए इक्वल्स टू सी एम अपॉन एम बी. ये गलत नहीं है, लेकिन कोई सोचे मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो ए एल अपॉन, अब आप बताओ, आप बताओ, ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू बी एम अपॉन एम सी. नीचे से स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट साइड का नीचे से स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड का भी नीचे से स्टार्ट करोगे, या फर्स्ट को ऊपर से कर रहे हो तो नेक्स्ट को भी ऊपर से ही करना. बस गलती मत कर देना, एक को नीचे से कर रहे, एक को ऊपर से कर दे, तो रेशियो कहाँ इक्वल हुआ, है ना? बस ये गलती नहीं करना. और उसके बाद क्या है? उसके बाद तो वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करना है. बस वैल्यू सारी गिवन है. ए एल कितना है? एक्स माइनस थ्री. एल सी कितना है? एक मिनट रुको जरा, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं. एल सी कैसे आएगा? ए सी में से सी एल माइनस कर लोगे. ए सी कितना है? टू एक्स. उसमें से सी एल
पहले देखो दिया क्या क्या है, बीसी दिया है और बीएम दिया है, माइनस करके ये निकालेंगे। यहां पर क्या दिया है, एएल दिया है, नीचे वाला साइड दिया है, और एसी दिया है। आपको सीएल चाहिए, एसी माइनस एलसी माइनस एएल ही तो होगा, है ना, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, समझ रहे हैं। एलसी कैसे आएगा, ये एलसी कैसे आएगा, एसी माइनस एएल, और यहां पर बीएम कितना दिया है, बीएम, बीएम गिवन है एक्स माइनस टू, और एमसी दिया नहीं है, एमसी नहीं दिया है, तो बीसी दैट इज टू एक्स प्लस थ्री, उसमें से एक्स माइनस टू माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग हो रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये डिलीट हो गया थोड़ा, है ना, क्या आपको समझ में आया? यस, और आगे देखते हैं, नेक्स्ट बोलो। रेशियो छुपा लेता हूं मैं, हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये साइड पैरेलल है, हमको क्या चाहिए, पी एस चाहिए, पी नीचे है, हाँ, हमें चाहिए पी एक्स, मैं इसको एक्स बोल दे रहा हूं, यस, हमको पी एस चाहिए, हाँ, आप बोलो, आप पी एस चाहिए, यहीं से स्टार्ट करो, यहां से नीचे से ऊपर, यहां भी यहां से नीचे से ऊपर, बोलो, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू, यस गुड, पी टी अपॉन टी आर। देखो ऊपर से नीचे आओ चाहे नीचे से ऊपर, लेकिन डायरेक्शन एक ही चलना, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि हमें x चाहिए तो हम चाह रहे थे x हमारा ऊपर आ जाए, है ना, तो पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। पी एस कितना है, x, एस क्यू थ्री, पी टी थ्री, और टी आर इज टू। अच्छा एक चीज और बता दूं, मिस कर गए, एक चीज और बता दूं आपको, अभी मैंने ये रेशियो बताया ना, बस एक चीज और मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं जो मिस कर गया, और इस क्वेश्चन में हम लोग यूज कर लेंगे, किसमें मालूम है, एग्जांपल फोर में, अब भी बता रहा हूं, हाँ, थोड़ा सा ऊपर चल के, ये थेल्स थ्योरम हमने पढ़ा ना, थेल्स थ्योरम में रेशियो क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, AD upon AB equals to AE upon AC, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आपको समझ में आया? अभी पहले हम क्या कर रहे थे मालूम है, पार्ट्स लिख सकते, ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट लेफ्ट का, ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट लेफ्ट का, है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, टॉप पार्ट अपॉन होल इज इक्वल्स टू टॉप पार्ट अपॉन होल, ये रेशियो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर प्लस वन करेंगे ना तो यही बनेगा, और एक तरीके से और लिख सकते हैं मालूम है, डी बी अपॉन ए बी, मैं लेफ्ट साइड बता दिया, आप बताओगे ई सी अपॉन ए सी, बिल्कुल ठीक, नीचे वाला पार्ट अपॉन होल इक्वल्स टू नीचे वाला पार्ट अपॉन होल, ये तीनों रेशियो इक्वल है, तीन में से कोई भी यूज करो जैसी जरूरत पड़े, जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट वाला ही यूज करो, जरूरी नहीं है कि इसी को यूज करो, इसको भी यूज कर सकते हैं कब, जब पूरी साइड दी हो, इसको यूज कर सकते हैं कब, जब पूरी साइड दी हो, अब इसको कैसे यूज करेंगे, अभी जो हमने एग्जाम्पल नंबर फोर किया था ना, आपने नोटिस किया उसमें पूरी पूरी साइड दी थी, इसको एक बार फिर से देखते हैं, हाँ, तो वो माइनस नहीं करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, एक ही बार में आ जाएगा, वो माइनस करने से कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूज तो खैर नहीं, लेकिन वर्किंग जबरदस्ती लेंदी कर रहे हैं। आपने नोटिस किया क्या दिया है, एएल मतलब नीचे वाला पार्ट, एसी मतलब पूरा, फिर बीएम मतलब, बीएम मतलब नीचे वाला पार्ट,
और बीसी मतलब पूरा, तो हम लोग फर्स्ट वाला लिखें कि सेकंड वाला लिखें कि थर्ड वाला लिखें? लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या बोला था? नीचे वाला ए एल, नीचे वाला पार्ट अपॉन होल इक्वल्स टू, यहां पर भी बी एम अपॉन बी सी सी भी चलेगा। आप देखोगे सारे वैल्यूज, ए एल गिवन है यस, ए सी गिवन है यस, बी एम गिवन है यस, बी सी। अब यहां पर हमको माइनस माइनस नहीं करना पड़ेगा। देखो ये माइनस माइनस करने से ना, माइनस माइनस तो लोग ने किया ही है, हाँ जबरदस्ती माइनस कर रहे हैं, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। yes, इनके मेथड से भी आंसर आएगा, हमारे मेथड से भी आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसी क्यों ना करें? इज दैट वेरी क्लियर? तो एल कितना है? एक्स माइनस थ्री अपॉन टू एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन प्लस थ्री। तो आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? इसमें रब हो गया है, लेकिन अपन ने इसको दोबारा क्यों लिखे है ना। फोर्थ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिफ्थ डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बहुत इजी है। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर सिक्स में क्या बोल रहा है? वो फर्स्ट वाले फिगर में बोल रहा है फाइंड क्यू सी। क्यू सी को क्या बोल दें? एक्स। ये कौन बताएगा? नेक्स्ट बोलो। नहीं, हाँ, क्यू सी अपॉन ए क्यू, उल्टा बोल दिया, यहां नीचे से बोल रहे हो तो यहां भी नीचे से बोलोगे, हाँ बी पी अपॉन पी ए। इन अदर वर्ड्स नीचे से बोल रहे ना, एक्स अपॉन 1.3, एक्स अपॉन 1.3, तो यहां पर आएगा 3 अपॉन 1.5। क्या समझ में आया? और मैं एक चीज बताऊं, ओरल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? ओरल। कैसे? नीचे वाला आधा है, नीचे वाला आधा है, तो यहां भी नीचे वाला आधा। देखो नीचे वाला, सॉरी, नीचे वाला डबल है, यस, बस खत्म। नीचे वाला डबल है ना, तो यहां भी नीचे वाला डबल आएगा, 2.6। चाहिए तो सॉल्व करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। और क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना? एक्स इक्वल्स टू, ये क्या था, 13 कहां से आया, 3 था, 3 अपॉन 1.5, ये 1.3 यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ओरल दिख रहा ना कि नीचे वाला पार्ट डबल है, तो यहां भी नीचे वाला पार्ट डबल होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो इक्वल होता है। नेक्स्ट वाले में हमें क्या चाहिए? ए क्यू, ए क्यू को एक्स बोल दे। ऊपर वाला कैसा है? हाफ, नीचे का हाफ, तो ऊपर वाला क्या हो गया? नीचे का हाफ, 5.3 डिवाइड बाय 2। आंसर ओरली निकाल लिया हमने। अगर एमसीक्यूज में आएगा तो ओरल कर लेंगे हम। क्यों लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे एक्स अपॉन 5.3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6, ऐसा भी क्यों लिखेंगे हम लोग, समझ गए ना। बस अगर आपको इतना समझ में आया तो फिर सब बन जाएगा। ये बुक का एक एग्जांपल है, याद आ रहा है, शायद लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। देखिए वो बोल रहा है कि पैरेलल है, डी ई पैरेलल है, पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम तो लगेगा। अगर पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम बोल रहा है बाय थ्योरम नंबर 6.1। आप नहीं बोलना, आप बोलना बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया? इन्वर्ट कर दिया, याद है, लिखवाया था मैंने, हाँ इन्वर्टेंडो बोला था। नहीं समझ में आया, रेसिप्रोकल बोल देना। फिर क्या करेंगे? एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एलसीएम लोगे तो ऊपर ए बी, यहाँ ए सी आ जाएगा। फिर से एक बार उसका रेसिप्रोकल ले लेना, तो ये आंसर आ जाएगा। कभी कभी हमको जो प्रूफ करना है उसके लिए इतना सब करना पड़ता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक सॉल्व एग्जाम्पल है, कई बार सॉल्व एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ जाता है, तैयारी रखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को भी मैं इम्पोर्टेंट बोलूंगा, और इम्पोर्टेंट बोल दिया मैंने, मतलब
कॉपी में लिख कर लाना, ये वाले एग्जांपल्स लिख के नहीं लाना है, है ना, ये सारे एग्जांपल्स ये सब नहीं लिखने हैं आपको, ये होमवर्क नहीं है, लेकिन एग्जांपल वन करना है, एग्जांपल टू करना है होमवर्क। एग्जांपल टू में क्या है बोलो, ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम बोल रहा है ये साइड जो है ना पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है, आपको ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया मालूम है, दो स्टेप में प्रूफ करेंगे, दो स्टेप में। एक बार मैं रेड कलर से ले लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल ले लो, आपको मालूम है ये तो पहले से पैरेलल था क्योंकि ट्रेपीजियम है, और ये भी इसके एक से भी पैरेलल बनाओगे तो तीनों पैरेलल हो जाएगी। मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, एडीसी, एडीसी में जो ईजी है डीसी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगेगा, थेल्स थ्योरम से एई अपॉन ईडी इक्वल्स टू एजी अपॉन जीसी इक्वेशन नंबर वन। अब ऐसा ही एक बार फिर से किसमें लगा देंगे, इस ट्रायंगल में, ग्रीन से किया ए बी सी, इस ट्रायंगल में ये देखो पैरेलल है, पैरेलल है तो फिर थ्योरम लगेगा, ठीक है, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी इक्वल्स टू, है ना, ऊपर से इन लोग उल्टा बोल रहे हैं, नीचे से ऊपर बोल रहे, कोई बात नहीं, सी जी अपॉन जी ए इक्वल्स टू सी एफ अपॉन बी एफ, ठीक है। इसको उन लोग उल्टा कर रहे, उल्टा बोल के उल्टा कर रहे, क्यों कर रहे, हम सीधे ही बोल देंगे, भाई फर्स्ट साइड में हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, यहां भी हम ऊपर से ही नीचे आएंगे, इससे इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन एंड टू से ये दोनों इक्वल हो गया, हैंस प्रूफ। इजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज है 6.2, मैंने होमवर्क में दिया था, याद आया। अब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, 2, 3, 4 और कहां तक करके आओगे ये बताओ, 4 बोला था वो तो हो गया खत्म, अब आगे क्या करना है, कहां तक। तो यहां पर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं और अलग से मैं होमवर्क आपको देता हूं, एक मिनट रुकिए जरा।